Hello, students. Today we will discuss regarding a very important topic, and that is working capital. We will discuss this important topic in four important headings, and that is number one, what is the meaning of working capital? Number two, what are the important concepts of working capital? Number three, what are the different classifications of working capital? And number four, in the last segment, we will discuss regarding what are the importance or advantages of adequate working capital. So students, let us start this important topic. First, meaning of working capital. Working capital refers to those short-term funds which are required to meet the short-term requirements such as purchase of raw materials, payment of wages, and day-to-day -day expenses. Students, the working capital planning and management is an important technique to enhance the profitability and liquidity of a business firm. Now, what are the important concepts of working capital? Students, there are two important concepts of working capital and those are number A, balance sheet concept and number B, operating cycle concept, which is also known as circular flow concept now the first one balance sheet concept under the balance sheet concept there are two types of working capital that is gross working capital and net working capital now gross working capital in the broad sense the term working capital means gross working capital and it represents the total amount of funds invested in the current assets so we can say that ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली इक्वल टू करेंट एसेट्स बच्चों जब ब्रॉडर सेंस की बात होती है तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बेसिकली टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू को ही डिनोट करता है नाउ द नेटवर्किंग कैपिटल इन नेरो सेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल मीन्स नेटवर्किंग कैपिटल विच रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स

नेटवर्किंग कैपिटल और बेसिकली नेटवर्किंग कैपिटल किस चीज को डोनेट करता है द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज दैट्स वाई नेटवर्किंग कैपिटल इज डिनोटेड बाय करेंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इसलिए यह भी कहा जाता है कि नेटवर्किंग कैपिटल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव वेन अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स इज मोर एज कंपेयर टू करंट लाइबिलिटीज बट इट विल नेगेटिव When the amount of current liabilities is more as compared to the amount of current assets. Now, the second concept that is operating cycle concept. Students, operating cycle concept is also regarded as circular flow concept. Now, according to this concept, the cycle starts with the purchase of raw materials and other resources विथ दी वर्किंग कैपिटल फंड एंड एंड विथ द कैश रिसीवेबल्स आफ्टर द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड द साइकिल अगेन स्टार्ट फ्रॉम द परचेस ऑफ रॉ मेटेरियल एंड शो ऑन बच्चो यहाँ पे ये देखिए एक साइकिल टाइप का बना हुआ है गोल्ड सर्कल है इसकी स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट ये जो टॉप पे है इट स्टार्ट फ्रॉम परचेस ऑफ रॉ मेटेरियल्स ये जो पॉइंट है दिस इज परचेस ऑफ रॉ मेटेरियल्स यहां से ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है ये पर्टिकुलर एरिया से और यहां से लेके ये वर्क इन प्रोग्रेस यहां पे नीचे देखिए वर्किंग वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू आर एम सी पी दैट इज रॉ मेटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस डब्ल्यू आई पी सी पी वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस एफजीसीपी दैट इज फिक्स्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड प्लस आर सी पी दैट इज रिशिवेबल्स कन्वर्जन पीरियड यहां देखिये बच्चो ये जो पहला स्टेज है ये पहला स्टेज यहां से लेके इस जगह से लेके यहां तक ये यह पूरा एरिया जो है ये पहला है दैट इज आर एम सी पी रॉ मेटेरियल्स कन्वर्जन पीरियड इट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम परचेस ऑफ रॉ मेटेरियल एंड इट एंडस विथ वर्क इन प्रोग्रेस ये पूरा का पूरा एरिया है आर एम सी पी का यानी रॉ मेटेरियल्स कन्वर्जन पीरियड जिस दौरान में रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट होके वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो जा रहे है वर्क इन प्रोग्रेस से लेके फिनिश्ड गुड्स तक बनने का जो ये पीरियड है ये दौर है दैट इज डब्ल्यू आई पी सी पी वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड दैट मीन्स वेन वर्क इन प्रोग्रेस इज कन्वर्टेड इन टू फिनिश्ड गुड्स नाउ दिस एरिया इज फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड दैट मीन्स द फिनिश्ड गुड्स दे आर कन्वर्टेड इन टू सेल्स एंड दिस लास्ट वन इज आर सी पी दैट मीन्स द सेल्स आर कन्वर्टेड इन टू कैश रिसीवेबल्स तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज क्लासिफिकेशन और काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल में बी क्लासिफाइड बेसिकली ऑन Two important bases, that is, on the basis of concept and on the basis of time. Now, on the basis of concept, working capital may be broadly classified in two important categories: that is, balance it concept and operating cycle concept. This balance it concept is again further divided into two important types: that is gross working capital, which in the broader sense. Like एंड नेट वर्किंग कैपिटल इन द नेरो सेंस तो ये कॉन्सेप्ट को तो हम लोग पढ़ चुके हैं आइए अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज एंड दैट इज फिक्सड वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल ये पहला एंड नंबर टू टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल नाउ दिस फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू इंपोर्टेंट कैटेगरीज दैट इज रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल एंड द टेम्पोर एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू इंपोर्टेंट सेगमेंट्स दैट इज सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल आइए देखते हैं कि ये किसे कहा जाता है ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो फिक्स्ड परमानेंट सीजनल वेरिएबल ये सब क्या है नंबर वन परमानेंट वर्किंग कैपिटल इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल नाउ परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ करेंट एसेट्स जैसा कि फिगर वन में हम लोग देख सकते हैं वह मिनिमम अमाउंट जो किसी फर्म के लिए रिक्वायर्ड होती है ताकि वह अपने करंट एसेट्स को केवल सर्कुलेट कर सके दैट मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस फॉर्म ओनली टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ करंट एसेट्स केवल करंट एसेट्स की सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम करंट एसेट्स को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम वैल्यू चाहिए दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल यहां पे देखिए एक बिजनेस फर्म को जो मिनिमम अमाउंट चाहिए वो यहां पे ये डिनोट किया हुआ है दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल आगे देखते हैं विद द टाइम एज द बिजनेस ग्रोज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन करंट एसेट्स जैसे जैसे कोई फर्म नंबर ऑफ इयर्स को इंक्रीज करता रहता है ज्यादा और बढ़ता रहता है उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन या ऑपरेशन जो उसकी गतिविधियां हैं वो बढ़ती रहती हैं तो उसको जो रिक्वायर्ड करंट एसेट्स या जो करंट एसेट्स की वॉल्यूम है वह बढ़ती रहती है और क्योंकि करंट एसेट्स की वॉल्यूम बढ़ रही है तो उसको सर्कुलेट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वह भी हमारा बढ़ता रहता है तो ये फिगर टू में दिखाया है कि ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल अब ये है स्लोपिंग अपवर्ड्स टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन ये अपवर्ड क्यों हो रहा है क्योंकि करंट एसेट्स किसी फॉर्म में ज्यादा हो, होते जा रहे हैं जैसे करंट एसेट्स ज्यादा होंगे तो उनको उनकी सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो भी हमें ज्यादा चाहिए होगा इसलिए पहले इतना चाहे चाह रहा था वर्किंग कैपिटल और अब उसकी वॉल्यूम जो है धीरे 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 बढ़ती जा रही है तो समय के साथ साथ परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता रहता है नाउ द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज एंड दैट इज रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल आइए देखते हैं कि ये क्या होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल द परमानेंट वर्किंग कैपिटल विच इज इसेली रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस सर्कुलेशन ऑफ करंट एसेट्स यानी वह परमानेंट कैपिटल का पोर्शन जो करंट एसेट्स की सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए इसेंशियली रिक्वायर्ड होता है बहुत ही जरूरी होता है या वो वही जरूरत इसेन्शियली वही जरूरत है उसी की जरूरत है तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर वर्किंग कैपिटल

कीमतों में वृद्धि हो गई राइज इन प्राइसेस डिप्रेशन का पीरियड आ गया तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट फेसेस हैं अगर ऐसी कंटिन्जिस के समय जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का पोर्शन जिसे हम लोग रखते हैं सुरक्षित रखते हैं दैट इज रिजर्व वर्किंग कैपिटल तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का वह पोर्शन जो कि हमें सर्कुलेशन के लिए काम आता है दैट इज रेगुलर और जो कंटीजिस के समय काम आता है दैट इज रिजर्व अब आगे देखें व्हाट इज टेम्प्रोरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल नाउ टेम्प्रोरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मीट द सीजनल एंड स्पेशल डिमांड्स वैसा वर्किंग कैपिटल का पोर्शन पोर्सन या वह पोर्शन जो सीजनल या स्पेशल डिमांड को पूरा करने के लिए रखा जाता है दैट इज रिगार्डेड एज टेम्प्रोरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल यहां बच्चों देखिए ये है वर्किंग कैपिटल जो परमानेंट रिक्वायर्ड जो स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर है ये वेरिएबल यानी इनिशियली जो मिनिमम लेवल चाहिए होता है उसके हिसाब से वेरिएबल वर्किंग कैपिटल यहां पे हमने दिखाया है लेकिन जैसे जैसे कोई फर्म प्रोग्रेस करती है नंबर ऑफ इयर्स उसके ज्यादा होते रहते हैं और उसकी करंट एसेट्स में अचानक से इंक्रीज होती है बढ़ोतरी होती है तो उसकी ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है जो स्ट्रेट लाइन जो अपवर्ड्स की ओर जो जा रहा है तो उसी के हिसाब से फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाता है तो ये इनिशियल पीरियड में है और ये लेटर ऑन है बाद में एक फॉर्म में क्या चाहिए होता है तो इनिशियली एक फिक्स अमाउंट में ही एक जो थोड़ा बहुत वेरी करता है उसके हिसाब से चाहिए लेटर ऑन ये वेरिएबल भी बढ़ता रहता है नाउ टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो टू टू काइंड दोज आर नंबर वन सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड नंबर टू स्पेशल वर्किंग कैपिटल द सीजनल वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू मीट द सीजनल डिमांड्स वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का वह पोर्शन जो कि सीजनल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए रखा जाता है दैट इज सीजनल वर्किंग कैपिटल

इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एडिक्युएट वर्किंग कैपिटल अगर किसी बिजनेस फॉर्म के पास एडिक्युएट वर्किंग कैपिटल है पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी या उस कंपनी के लिए या उस बिजनेस फॉर्म के लिए क्या क्या एडवांटेजेस होंगी कुछ एडवांटेजेस जो मैंने लिखा है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन इज इनहेंस गुडविल मतलब अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल किसी फॉर्म के पास है तो उसकी गुडविल क्या हो जाएगी एनहेंस हो जाएगी कैसे बिकॉज मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स वेजेस टू वर्कर्स सैलरीज टू द एम्प्लॉज विल इनहेंस द गुडविल ऑफ द कंपनी यानी अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो वो बिजनेस फॉर्म क्या क्या करेगी वह प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगी अपने क्रेडिटर्स को अपने वर्कर्स को टाइमली वेजेस देगी अपने एम्प्लॉज को टाइमली सैलरी देगी तो ये सारे काम जो भी बिजनेस फॉर्म करेगी क्रेडिटर्स को प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगी वर्कर्स को भी वेजेस टाइम टू टाइम देगी एम्प्लॉज को सैलरी देगी तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी या एनहेंस हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट मेंटेन्स सोलवेंसी ऑफ बिजनेस एडिक्यूट वर्किंग कैपिटल इंश्योर्स द फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्शन सो सोल्वेंसी इज मेंटेन्ड क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता रहेगा तो सोलवेंसी भी मेंटेन होगी थर्ड वन इज इजी लोन्स स्टूडेंट्स अ कंपनी विथ हाई सोलवेंसी एंड गुड क्रेडिट और गुडविल कैन अरेन्ज लोन फ्रॉम बैंक इजीली ये पहले दो पॉइंट का बेसिकली ये एक समअप है थर्ड पॉइंट इजी लोन्स किसी कंपनी की अगर या किसी बिजनेस फर्म की गुडविल अच्छी है और दूसरा उसने अपनी सोलवेंसी को मेंटेन कर रखा है तो ये दोनों का इंपैक्ट उसको कहां पड़ेगा उसे इजी लोन्स मिल सकते हैं किसी भी बैंक से वो किसी भी बैंक से इजीली लोन्स ले सकती है क्यों क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है प्लस उसकी सोलवेंसी भी मेंटेन है नेक्स्ट अवेल कैश डिस्काउंट्स एड्यक्एट वर्किंग कैपिटल हेल्प्स टू अवेल कैश डिस्काउंट नेक्स्ट इन्श्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मेटेरियल्स अगर कोई कंपनी के पास एड्यूक्एट वर्किंग कैपिटल है तो रेगुलर सप्लाई भी रॉ मेटेरियल्स की इंश्योर कर सकती है नेक्स्ट इन्श्योर रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स ऐसी कोई भी अगर कोई कंपनी होगी जिसके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो अपने वर्कर्स को टाइमली वेजेस देगी नेक्स्ट एनश्योर रेगुलर सैलरीज टू एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर सैलरीज देगी एनश्योर रेगुलर पेमेंट टू क्रेडिटर्स अपने क्रेडिटर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट देती रहेगी जिससे उसकी गुडविल भी बनी रहती है नेक्स्ट इनकेश फेवरेबल मार्केट कंडीशंस अब ये मार्केट कंडीशन या फेवरेबल मार्केट कंडीशन को कैसे इनकेस्ट कर लेगी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल परचेस इन बल्क ऑफ रॉ मेटेरियल्स वेन प्राइसेस आर लोअर कभी कभी मार्केट में रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस अचानक से गिर जाते हैं तो उस दौरान अगर किसी के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो वो कम दाम पे ज्यादा से ज्यादा रॉ मेटेरियल्स को खरीद के उसकी स्टॉक को मेंटेन कर सकता है दैट मीन्स जो फेवरेबल कंडीशन थी जिसके तहत रॉ मेटेरियल की प्राइसेस गिरी हुई थी उसको वो कंपनी इनकैश कर लेती है तो इनकैश तभी कर सकती है जब आप अपने पास प्रॉपर मेंटेन या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को मेंटेन किए हुए हैं एंड द लास्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू फेस क्राइसिस पीरियड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग रिसेशन एंड अदर एडवर्स पीरियड्स एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल कैन हेल्प द कंपनी टू फेस सच क्राइसिस पीरियड रिसेशन का पीरियड हो या कोई एडवर्स पीरियड हो एडवर्स जैसे इस समय जो चल रहा है लॉकडाउन इस समय कंपनियों का पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक तरीके से ठप पड़ा हुआ है तो ऐसी क्राइसिस पीरियड में अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो कंपनी उस क्राइसिस को भी फेस कर सकती है उसके पास अगर एडिक्यट है तो कुछ दिनों तक अपने वर्कर्स को वेजेस दे सकती है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकती है एक्सेट्रा तो मार्केट में वो सरवाइव करने के लिए ऐसी क्राइसिस पीरियड में भी उस एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर सकती है सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद